फरुखाबाद नगर पालिका की बोर्ड बैठक आज संपन्न हो गई है और बोर्ड बैठक के बाद वहाँ पर फरुखाबाद के विधायक, सांसद और नगर पालिका अध्यक्ष जो अभी निर्वाचित हुई हैं बसला अग्रवाल जी समेत कई वहाँ पर राजनेता मौजूद रहे। इस दौरान फरुखाबाद के जो सभासद थे वो भी इस बैठक में मौजूद रहे और कई योजनाओं को वहाँ पर पास किया गया, शहर के विकास के लिए एक खाका खींचा गया। इसी कड़ी में फरुखाबाद की नव निर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष बत्सला अग्रवाल जी हमारे साथ में मौजूद हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बोर्ड बैठक में आज किन किन चीज़ों पर और फरुखाबाद के किन विकास कार्यों पर आज मोहर लगी है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आज बोर्ड बैठक आज हुई है, किस तरह से फरुखाबाद के विकास का खाका तैयार किया? मैं सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगी जो आप मेरे से इंटरव्यू ले रहे हैं। आज हमारी नगर पालिका की प्रथम बोर्ड मीटिंग थी जिसमें माननीय सांसद जी, विधायक जी और MLC साहब सब लोग आए हुए थे। हमें बहुत खुशी हुई कि उन लोगों ने भी इसमें इंटरेस्ट लिया, वो लोग आए हुए थे शहर के विकास के लिए। हमने जो खाका तैयार किया है उसमें सबसे पहले हमने रेलवे रोड को प्रमुखता से लिया है। उसमें हमने ये सोचा है कि उसमें बीच में हम पोल लाएंगे और डिवाइडर बनवाएंगे और जो भी ट्रांसफार्मर हैं उनको, बड़े ट्रांसफार्मर उनको हटवा के 100-100 उसके ट्रांसफार्मर उस पोल के ऊपर लगवाएंगे। इसके अतिरिक्त जो हमारे शहर में जाम की समस्या है उसके लिए हमने ये सोचा है कि ट्रैफिक लाइट लगवाएंगे, चौराहों तिराहों पर ट्रैफिक लाइट लगवाएंगे, चौराहों का सुंदरीकरण कराया जाएगा। और हमारे शहर में सबसे बड़ी जो समस्या अब तक जो हम नहीं कर पाए हैं वो है कि जो नाले हमारे हैं उनकी निकासी की प्रॉपर समस्या समझ नहीं आ रहा कि कैसे करें। तो अभी हम लखनऊ गए थे, हमने वहाँ पे एक आर्किटेक्ट है उनसे बात करी थी, वो इस कार्य के करने के लिए तैयार हो गए हैं। उनको हम शीघ्र ही आज बोर्ड एजेंडा में, बोर्ड मीटिंग में हमारे सब कुछ पास हो चुका है, उनको हम शीघ्र ही अपना शहर में बुलाएंगे, उनको सब सर्वे करवाएंगे अपने शहर के नालों का और उनसे प्रॉपर राय लेके हम नालों पर कार्य करेंगे। इसके अतिरिक्त हमने लाल सराय की टंकी के नीचे हम एक कार पार्किंग का सोचा है, उस पर मैंने एस्टीमेट भी बनवा लिया है, उसको भी हम बनवाएंगे। उसमें हम देखते हैं कि ये कार पार्किंग के साथ साथ अगर हमें जगह मिल जाती है तो ऑटो रिक्शा स्टैंड भी बनवा देंगे। साथ ही ठेले और ठिलियों के लिए हम वेंडिंग जोन बनवाने का प्रावधान आज हमने करेंगे। इसके अतिरिक्त हमने आज इसमें अपनी बोर्ड मीटिंग में कहा था कि हम चौराहे तिराहे हॉस्पिटल स्कूल्स के आगे CC कैमरे लगवाएंगे ताकि शहर में हमारी कोई भी वारदात होती है तो उसको तुरंत पकड़ लिया जाए कि किसने करा है। और इसके अतिरिक्त हमने अभी कन्वेसिंग टाइम में ये देखा था कि घर घर जो है जल नहीं पहुंच रहा है, उसके लिए हमने जल निगम के एक्शियन को भी बुला के उनसे बात करी थी पूरी और उनसे हमने खाका तैयार करवा लिया है। इसको हम 12 जोनों में बांटेंगे नगर पूरे फरुखाबाद शहर को और घर घर जल पहुंचाने का कार्य करेंगे। ये हमारा मतलब इस वर्ष का बहुत ज़रूरी, बहुत मन से हम लोग ये सब सोचा और ये सब कार्य करने की इच्छा है हमारी। और भविष्य में अगर हमें ऐसा लगता है कि हम इन सब कार्यों को कर ले जाते हैं फिर हम एक सोलर प्लांट ऐसा लगवाएंगे ताकि हमारी स्ट्रीट लाइट भी सोलर से जल सके, ताकि कभी रात बिरात लाइट जाती है तो वो हमारी उससे जल जाए। सबसे बड़ी डिमांड जो है फरुखाबाद नगर पालिका में लोग कर रहे हैं कि सड़कों का चौड़ीकरण हो और बीच में उनको डिवाइडर मिले, इस पर कहाँ तक अभी काम? अभी देखिए रेलवे रोड का अतिक्रमण हटा था तो उस पर हमारा कार्य चल रहा है। और इसके बाद हमने DM साहब से भी मिले थे, उनसे हमने कहा था कि ठंडी सड़क जो है वो काफ़ी चौड़ी है, उसके लिए आप हमें हमारे नगर पालिका अंडर में करवा दीजिए तो उस पर भी हम सुंदरीकरण करेंगे। शहर के अंदर की सड़कों को वो अभी मेरा प्लान इसलिए नहीं है क्योंकि अगर वो सिटी मजिस्ट्रेट वगैरह देखते हैं कि उसमें क्या अतिक्रमण हटा पाती हैं वो, तो उसी के बाद वो चौड़ीकरण होगा और तभी कार्य संभव है। अच्छा, फरुखाबाद नगर पालिका क्षेत्र की तमाम जगह हैं, कहीं ना कहीं कहें कि नगर पालिका को भी नहीं पता है कि उनकी सरकारी भूमि कहाँ पर है, वहाँ उन ज़मीनों पर कई लोग कब्जा किए हुए हैं, तो उन पर कोई एक्शन लेने की भविष्य? मैं अभी नगर पालिका गई थी 3-4 दिन पहले, मैंने वहाँ रजिस्टर मंगवाया था इस संबंध में, लेकिन अभी जो हमारा वो देखता है वो बीमार पड़ा हुआ है तो उसकी CL चल रही है, तो जैसे ही वो बीमारी से ठीक होकर आएगा उस पर मैं एक्शन लूँगी। तो ये हमारे साथ में नगर पालिका अध्यक्ष बत्सला अग्रवाल जी थी जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि फरुखाबाद शहर में CCTV हो, पेयजल की व्यवस्था हो, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था हो, चाहे सड़क के चौड़ीकरण की बात हो, निश्चित तौर पर कार्यकाल उनका शुरू हो चुका है और इसी कार्यकाल में इन सभी बातों पर काम किया जाएगा। कैमरामैन मोहित के साथ पुनीत मिश्रा, UPTV न्यूज़ फरुखाबाद।